वेलकम टू हिट फ्रेंड स्टोरी। आपको मैंने जैसा कि पार्ट वन में बोला था कि मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगी टाइप्स, ओके? तो उसी के हिसाब से मैं आज आपको टाइप बताऊंगी। तो पहले तो बहुत सारे टाइप होते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको दो टाइप बताऊंगी, ओके? वो दो टाइप है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। चलो आज उसके बारे में सीखेंगे। Proper noun, common noun. Okay, ये दो टाइप होते हैं टोटली नाउन के, ओके? अब प्रॉपर नाउन होता क्या है और कॉमन नाउन होता क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ओके? तो प्रॉपर नाउन मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक नाम, किसी एक चीज का स्पेसिफिक नाम। जैसे सेंटेंस में बना सकती हूँ, फ्रेया कंप्लीट योर वर्क। इसमें एक फ्रेया स्पेसिफिक गर्ल का नाम बोल रहा है, तो ये आएगा प्रॉपर नाउन में। जैसे अब ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो इसमें क्या आया, ताजमहल प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन मतलब सिंपल है, प्रॉपर नाउन मतलब ही स्पेसिफिक, कोई भी चीज का एक स्पेसिफिक अगर आप नाम रखो उसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन ये होता है कि क्लास कंप्लीट योर होमवर्क, आई विल चेक टुमारो। तो क्लास में एक स्पेसिफिक बच्चे का नाम नहीं लिया कि यू कंप्लीट योर होमवर्क, फ्रेया कंप्लीट योर होमवर्क। अगर एक स्पेसिफिक बच्चे का नाम हुआ होता है तो वो प्रॉपर नाउन आता, पर इसमें पूरी क्लास का लिया है तो कुछ नहीं आएगा, तो वो कॉमन नाउन में। सो फ्रेंड्स, अगर अब जैसे और एक सेंटेंस बोल सकते हैं, दिस बुक इज माय, तो एक बुक का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया तो वो जाएगा कॉमन नाउन में। और अगर ऐसा बोला होता, दिस इंग्लिश बुक इज माय, तो इंग्लिश जाता प्रॉपर नाउन में, इंग्लिश बुक प्लस जाता प्रॉपर नाउन में, ओके? तो मैं आप इधर एक सेंटेंस लिखती हूँ, चलो। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इधर सेंटेंस लिखा हुआ है, दिया इज माय फ्रेंड, ओके? तो इस दिया इज माय फ्रेंड में दिया आएगा प्रॉपर नाउन में और फ्रेंड आएगा कॉमन नाउन में, ओके? दिया क्यों आया प्रॉपर नाउन में, दिया इसीलिए प्रॉपर नाउन में आया क्योंकि एक पर्टिकुलर लड़की का नाम लिया है मैंने। अगर ऐसा वो बोल देती मैं शी इज माई फ्रेंड, तो वो नहीं होता प्रॉपर नाउन में, ओके? आपको ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं पार्ट 3 में, बाय बाय।